हेलो स्टूडेंट, आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था हार्मोनल कंट्रोल इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड लैक्टेशनल हार्मोनल कंट्रोल। इसके बाद पढ़ोगे नेक्स्ट टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस। क्या है गैमेटोजेनेसिस? गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या है? नाम से पता चल रहा है गैमेटोजेनेसिस, गैमेट का फॉर्मेशन होना। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। याद रखना आपको, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। ये टू वे से होता है, या एक मेल में और एक फीमेल में। मेल में जो होता है वो स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है, और फीमेल में जो होता है वो ओजेनेसिस। मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल में ओजेनेसिस कहलाता है। जब स्पर्मेटोजेनेसिस होगा उसमें क्या देखने मिलेगा? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द जर्म सेल। जर्म सेल जो होती है वो इमेच्योर होती है। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म या बोल सकते हैं स्पर्मेटोजोआ, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम द जर्म सेल ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस की जो जर्म सेल होती है वहां से इसका फॉर्मेशन होना, स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होना, वो कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर है? देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम द जर्म सेल ऑफ टेस्टिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द जर्म सेल इन द टेस्टिस इज स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर है? इसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो थ्री फेस में कंप्लीट होता है। कितने फेस में? थ्री फेस। याद रखना, पहले हमें थ्री फेस मालूम करने कौन कौन से फेस होते हैं, उन थ्री फेस में कैसे कैसे कंप्लीट होता है हम समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले फेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन फेस में क्या होता है? जर्म सेल जो होती है उसमें माइटोसिस डिवीजन देखने मिलता है, और क्या होता है मैच्योर स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन होता है। देख सकते हैं इमैच्योर जर्म सेल। याद रखना है मल्टीप्लिकेशन फेस में क्या देखने मिलेगा? जर्म सेल से स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन होना। कैसे? माइटोसिस डिवीजन के द्वारा। किसके द्वारा? माइटोसिस डिवीजन के द्वारा जर्म सेल से स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन होता है। जर्म सेल इमैच्योर होती है जबकि स्पर्मेटोगोनिया मैच्योर होती है। क्लियर है? इमैच्योर जर्म सेल से जब माइटोसिस डिवीजन होता है तो मैच्योर स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन होता है, और वो प्रोसेस जो होता है क्या कहलाता है? मल्टीप्लिकेशन फेज। किस डिवीजन से? माइटोसिस। देखते हैं इमैच्योर जर्म सेल डिवाइड रैपिडली बाय माइटोसिस डिवीजन टू फॉर्म डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया। ये याद रखना है, जर्म सेल डिप्लॉयड होती है, जब ये डिप्लॉयड होगी तो जब इसमें माइटोसिस डिवीजन होगा तो ये क्या होगा? डिप्लॉयड होगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? समझ में आएगा क्या मल्टीप्लिकेशन फेज क्या होता है? जर्म सेल से स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन होना थ्रू द माइटोसिस डिवीजन। ठीक है, इसके बाद आता है फेज ऑफ ग्रोथ। फेज ऑफ ग्रोथ में क्या देखने मिलता है? नाम से पता चला ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब है जो स्पर्मेटोगोनिया सेल है उनकी साइज में ग्रोथ देखने को मिलेगा। किसमें? स्पर्मेटोगोनिया की जो सेल है, या स्पर्मेटोगोनिया जो सेल है बोल सकते हैं, स्पर्मेटोगोनिया जो होती है उनकी साइज में ग्रोथ देखने को मिलता है, जिससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। तो ग्रोथ में तो कोई डिवीजन नहीं होता, तो ये सेम जो होता है क्रोमोसोम नंबर जो सेट होता है वो पूरा आ जाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, नहीं बढ़ेगा नहीं घटेगा। ठीक है, बार बार चलाएगा क्योंकि इसमें ग्रोथ देखने मिल रही है। जो स्पर्मेटोगोनिया सेल है उनमें ग्रोथ देखी जाती है, इसके कारण क्या होता है? ग्रोथ में क्या होता है? इंक्रीज द साइज, जिसके कारण प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, देखते हैं इसके बाद स्पर्मेटोगोनियम ग्रोथ। स्पर्मेटोगोनिया जो होती है वो क्या करती है? ग्रो करती है। क्लियर? तो क्या होता है? ग्रो इन साइड बिकम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और क्या बन जाती है वो? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। वो भी क्या होती है? डिप्लॉयड।
ये भी डिप्लॉयड, ये भी डिप्लॉयड, ये भी डिप्लॉयड, क्यों है? क्योंकि अभी तक माइटोसिस डिवीजन हुआ है, मीटोसिस डिवीजन नहीं हुआ। हेटरोन कहां देखा जाता है? जहां मीटोसिस डिवीजन होता है। क्लियर है? अब इसके बाद नंबर 3 फेज है, फेज ऑफ मैच्योरेशन। क्या है? फेज ऑफ मैच्योरेशन। मैच्योरेशन फेज में क्या होता है? आपको टू डिवीजन देखने को मिलते हैं, मीटोसिस फर्स्ट एंड मीटोसिस सेकंड। मीटोसिस फर्स्ट जो होता है वो कहां पर देखने को मिलता है? जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होता है, उस दौरान याद रखना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होता है, उस दौरान मीटोसिस फर्स्ट डिवीजन देखा जाता है। अब जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जब कौन सा मीटोसिस डिवीजन होगा, तब स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होगा। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन जब होता है, तो उसमें मीटोसिस सेकेंड डिवीजन देखा जाता है। ये दोनों डिवीजन जो होते हैं वो देखे जाते हैं केस ऑफ मैच्योरेशन। देखते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोज टू सक्सेसिव म्यूटिक डिवीजन। इसमें दो म्यूटिक डिवीजन देखने मिलते हैं, मीटोसिस फर्स्ट और एक मीटोसिस सेकंड। देखा जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में डिप्लॉयड है, तो जब उसमें मीटोसिस फर्स्ट डिवीजन होगा, रिडक्शन होगा, तो क्या होंगे उनका क्रोमोसोम जो नंबर होगा वो हाफ हो जाएगा। तो हाफ होने का मतलब है हैप्लॉयड होना। कैसे? देखो, मीटोसिस डिवीजन हुआ, हम मान लेते हैं इसके पास कितने हैं, 46 क्रोमोसोम। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो कि सिंगल सेल है, जिसमें डिप्लॉयड सेल है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सिंगल सेल है, डिप्लॉयड सेल है, जिसमें क्या होता है, सेट ऑफ क्रोमोसोम है, टू सेट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब कि 46 क्रोमोसोम। क्लियर? जब उसमें मीटोसिस फर्स्ट डिवीजन होगा, रिडक्शन डिवीजन होगा, तो क्या होगा, तो उससे बनेंगे टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो हैप्लॉयड बनेंगे, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा, क्योंकि मीटोसिस फर्स्ट जो था रिडक्शन डिवीजन हो गया उसमें, तो कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे, हाफ हो गए उसके, 2n के हाफ n हो गया, n का मतलब 23 क्रोमोसोम। क्लियर है? जब सेकेंडरी साइट के क्रोमोसोम कहे जाते हैं, टू में ओनली 23 क्रोमोसोम। क्लियर है? इसके बाद उसमें मीटोसिस डिवीजन देखा जाता है, मैंने बताया था मीटोसिस सेकंड जो डिवीजन देखने को मिलता है, उससे बनेंगे फोर स्पर्मेटोड्स। क्या बनेंगे? फोर स्पर्मेटोड्स, जो भी क्या होते हैं, हैप्लॉयड। और हैप्लॉयड होते हैं तो इसमें क्या होंगे, 23 क्रोमोसोम, 4 सेल बनते हैं 2 सेल से। ये इक्वेशन डिवीजन पर जाता है, देखते हैं एक बार चेक करके। ठीक है, अब हम डायग्राम से समझते हैं कैसे। देखो, ये जर्म सेल है। क्लियर है? जर्म सेल कैसे है, डिप्लॉयड है, उसमें कौन सा डिवीजन देखने मिला, माइटोसिस। और माइटोसिस मतलब कि मल्टीप्लिकेशन फेज, मैंने पहले बताया था, यहां लिख रखा था। अब इसमें क्या होंगे, 1 से 2, 2 से 4 सेल, क्या बनेंगे, स्पर्मेटोगोनिया। ये इमैच्योर जर्म सेल की, इससे बन गई मैच्योर स्पर्मेटोगोनिया। क्लियर है? अब स्पर्मेटोगोनिया भी माइटोसिस डिवीजन से बन रही है, मल्टीप्लिकेशन फेज देखा जा रहा है, तो उसमें क्या होंगे, ये डिप्लॉयड होंगे। क्या होंगे, डिप्लॉयड। क्लियर है? यहां से लेके यहां तक आपको क्या देखने मिला, डिप्लॉयड देखने मिला। अब ये स्पर्मेटोगोनिया में आपको देखने मिलेगा ग्रोथ फेज। क्या देखने मिलेगा, ग्रोथ फेज। यहाँ पर आपको देखने मिलेगा ग्रोथ फेज। क्लियर है? ये हो गया ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में मैंने बताया था स्पर्मेटोगोनिया में साइज इंक्रीमेंट होता है, जिससे क्या बन जाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाती है, वो भी क्या होती है, डिप्लॉयड होती है। क्या होती है, डिप्लॉयड होती है। जब इसमें ग्रोथ देखी गई है, स्पर्मेटोसाइट बन गई, स्पर्मेटोसाइट भी बन गई, इसकी साइज में ग्रोथ हो गई। क्लियर है? इसके बाद ये हो गया पार्ट फेज कंप्लीट, और स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन होगा, ये भी 2n होता है। इसके बाद जब उसमें देखा जाता है मैच्योरेशन फेज, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या देखा जाता है, मैच्योरेशन फेज देखा जाता है। और मैच्योरेशन फेज में क्या होते हैं, टू डिवीजन इन्वॉल्व रहते हैं, मीटोसिस फर्स्ट और एक मीटोसिस सेकंड। क्लियर है? मीटोसिस फर्स्ट में क्या देखने मिलेगा, मीटोसिस फर्स्ट में आपको देखने मिलेगा, उसमें मीटोसिस फर्स्ट में डिवीजन होगा, मीटोसिस फर्स्ट डिवीजन होगा, किसमें होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। तो क्या बनेंगे, टू हैप्लॉयड सेल बनेंगे मीटोसिस डिवीजन से। क्लियर है? टू हैप्लॉयड सेल बनेंगे।
और टू हेक्टर सेल बनने के बारे में। अब क्वेश्चन में कौन सा सेल बनी? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से म्यूसिस डिवीजन हुआ तो कौन सी सेल बनी? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बन गई? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। कौन से डिवीजन से? म्यूसिस फर्स्ट डिवीजन। क्लियर है? तो म्यूसिस इसको हम याद रखना, मैचुरेशन फेज को म्यूसिस म्यूटिक फेज भी कह देते हैं। क्लियर है? ये बन गई आपकी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। कहां से? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से। इसके बाद इसमें आपको देखने को मिल रहा है म्यूसिस सेकेंड डिवीजन। कौन सा? म्यूसिस सेकेंड, इसमें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। तो वहां पे क्या होगा? म्यूसिस सेकेंड में क्या होंगे? फोर हैप्लॉइड सेल बनेंगे जिन्हें हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिक्स। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिक। ठीक है? और स्पर्मेटिक्स जो होते हैं वो आपको हैप्लॉइड दिखाई दे रहे हैं। बने कहां से? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से। कौन से डिवीजन के द्वारा? म्यूसिस सेकेंड। क्लियर हो गया? म्यूसिस सेकेंड। इसके बाद स्पर्मेटिक्स जो होते हैं उनमें स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस देखने मिलता है। क्या देखने मिलता है? स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिक इनटू स्पर्मेटोजोआ। जो स्पर्मेटिक जो होते हैं सर्टोली सेल में पाए जाते हैं, वो सर्टोली सेल के पास पाए जाते हैं, वो स्पर्मेटिक सेल में जो होता है क्या देखने मिलता है? वो स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैसे? स्पर्मेटिक्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? राउंड शेप में होते हैं, साइटोप्लाज्म में होता है, हैवी वेट होता है। क्लियर? नॉन मोटाइल होते हैं। स्पर्मेटिक्स के कैरेक्टरिस्टिक पता है ना क्या होता है? नॉन मोटाइल होते हैं, साइटोप्लाज्म होता है। और कहां पर प्रेजेंट होते हैं? नॉन मोटाइल साइटोप्लाज्म में जो हैवी वेट होता है, इसलिए स्पर्मेटिक्स जो होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं। क्लियर है? तो स्पर्मेटिक का फॉर्मेशन कहां से होता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से। कौन से डिवीजन से? म्यूसिस सेकेंडरी डिवीजन से। क्लियर है? और स्पर्मेटिक जो करेक्टरिस्टिक पता चल गया। स्पर्मियोजेनेसिस मैंने अभी बताया था। स्पर्मियोजेनेसिस में क्या था? ट्रांसफॉर्म द स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये स्पर्मियोजेनेसिस से या बोल सकते हैं जब इसमें स्पर्मियोजेनेसिस देखा गया स्पर्मेटिड में तो क्या बन गए? स्पर्मेटोजोआ। जो भी वो क्या होते हैं? हेटरोजोएट होते हैं जिन्हें हम स्पर्म बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? स्पर्म बोल देते हैं। क्लियर है? एक बार चेक करते हैं और रिपीट करते हैं। देखो जर्म सेल होती है, डिप्लॉयड होती है, माइटोसिस डिवीजन होता है, मल्टीप्लीकेशन फेज होता है। फेज को क्या बोलते हैं? जिसमें माइटोसिस डिवीजन होता है मल्टीप्लीकेशन फेज, तो उससे क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया सेल बनती है जो मैच्योर होती है, वो भी डिप्लॉयड होती है। उनमें अब क्या होगा? ग्रोथ फेज दिखाया जाएगा। ग्रोथ फेज में नाम से पता चल रहा है इंक्रीज द साइज। इंक्रीज जब स्पर्मेटोगोनिया में साइज इंक्रीज होगा, स्पर्मेटोगोनिया में साइज इंक्रीज होगा तो क्या देखने मिलेगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट देखने मिलेगी। ठीक है? स्पर्मेटोसाइट साइज बढ़ेगा, अब उसमें वो भी क्या होंगी? डिप्लॉयड होंगी। और उसमें क्या देखने मिलेगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में अब देखने मिलेगा मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज मतलब म्यूटिक फेज जिसमें म्यूसिस डिवीजन देखा जाता है। कौन कौन से? म्यूसिस फर्स्ट और म्यूसिस सेकेंड। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मैचुरेशन फेज के दौरान म्यूसिस फर्स्ट डिवीजन होता है तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? जो कि हैप्लॉइड होती है। क्लियर है? अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या होता है? म्यूसिस डिवीजन सेकेंड होता है और म्यूसिस सेकेंड डिवीजन होता है जिससे क्या बनते हैं? फोर स्पर्मेटिड बनते हैं जो हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है? और नॉन मोटाइल होते हैं, साइटोप्लाज्म होता है और हैवी वेट होता है। इसके बाद इसमें स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस होता है, इसकी वजह से स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनते हैं जो हमें स्पर्म बोलते हैं, जिसमें टेल हेड बॉडी होती है वो डिफ्रेंशिएट हो जाती है टेल में, हेड में, नेक में। ठीक है? ये सब देख लेते हैं और इसको भी देख सकते हैं। ये आपकी जर्म सेल से टू सेल फॉर्मेशन हुआ, माइटोसिस दो से टू से फोर हुआ जिन्हें हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। मैच्योर हुई सेल जिसमें ग्रोथ हुआ, ग्रोथ में इंक्रीज का साइट देखा गया तो उससे क्या बन गई? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को कौन सा डिवीजन? म्यूसिस फर्स्ट देखा गया जिससे क्या बनी? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या देखा गया? म्यूसिस
सेकेंड डिवीजन देखा गया है, और सेकेंड स्पर्मेटोसाइट में भी उसे सेकेंड डिवीजन हुआ, तो क्या बन गया, फोर स्पर्मेटिड्स बन गए। और स्पर्मेटिड्स में स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस देखा गया, तो क्या देखने को मिला, स्पर्मेटोजोआ फॉर्मेशन हो गया। एक और प्रोसेस कहलाता है स्पर्मिएशन। क्या होता है, एक और स्पर्मिएशन और होता है, याद रखना स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन में क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होना, कहां से, सेमिफेरस ट्यूबुल, कहां से, सेमिफेरस ट्यूबुल से जो एम्बेडेड होती है, कहां पर, सेमिफेरस ट्यूबुल सर्टोली सेल में एम्बेडेड होते हैं, वहीं जो सर्टोली सेल सेमिफेरस ट्यूबुल जो देखी आपने, देखा होगा स्ट्रक्चर सेमिफेरस ट्यूबुल का, वहां पे क्या देखने मिलता है, वहां पर देखने मिलता है आपको स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन का मतलब है रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सेमिफेरस ट्यूबुल, क्लियर, उसे क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन, क्लियर है। ये रहा आपका गैमेटोजेनेसिस, इज दैट क्लियर। इसके बाद हम पढ़ते हैं स्पर्म की स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म।